कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड्स में हैं और लगभग सारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक पीओ का हो, बैंक क्लरिकल का हो, एसएससी हो, पीसीएस के एग्जाम या यूजीसी नेट हो, सभी में कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेक्शन है जिसमें क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के आते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग इसकी प्रॉपर एक तैयारी कर ले। यहाँ पर हम आपके पास 500 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें जो कॉमनली आस्क क्वेश्चन है इन एग्जाम्स में उसका एक कलेक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें आज आपको क्या मिलेगा। तो 500 क्वेश्चन का सीरीज अब हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ अ बिट रिप्रेजेंट्स, एक बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शन है डेसिमल डिजिट, ऑक्टल डिजिट, बाइनरी डिजिट या हेक्सा डेसिमल डिजिट। और इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी यानी जीरो और वन से ही केवल रिप्रेजेंट होता है, केवल दो डिजिट होते हैं, जीरो एंड वन, बाइनरी डिजिट, यही है बिट। नेक्स्ट आ रहा है कंप्यूटर डिराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ, तो कंप्यूटर स्पेशल क्यों है, क्या बेसिक स्ट्रेंथ है उसका। ये चार ऑप्शंस है आपके पास, सो स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है इसका फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, कंप्यूटर स्पेशल इसलिए है कि उसका स्पीड बहुत हाई है कैलकुलेशन का, एक्यूरेसी जबरदस्त है, मेमोरी काफी ब्रॉड मेमोरी है, काफी ज्यादा वो चीजों को स्टोर कर सकता है, इसलिए ये पहले ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, यानी स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी स्ट्रेंथ है कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड, फाइल या नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बाइट। तो 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। विच इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सो सीपीयू, एएलयू, फ्लॉपी डिस्क या माउस। सो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, प्राइमरी इज सीपीयू, सेकेंडरी यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें होगा फ्लॉपी डिस्क। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, वो भूलता नहीं है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी फर्स्ट ऑप्शन है, प्रॉम है या नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। नाउ अगले पॉइंट पर चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर अक्रॉस ऑल एमएस ऑफिस एप्लीकेशन। तो ऑटो करेक्ट फीचर फंक्शन कोई बारे में आपको बताना है, क्या स्पेशल फीचर है। तो इसका ये फीचर है, ये रिप्लेस करता है मिसस्पेल्ड वर्ड्स को विद द करेक्ट वंस वाइल टाइपिंग, जब आप टाइप करते हैं उसको वो करेक्ट वर्ड में कन्वर्ट करते जाता है अगर मिसस्पेल्ड किया आपने तो। व्हाट डज मैन स्टैंड फॉर, सो मैन, लैन, वैन, ये सब कुछ, ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने, ये काफी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहां पर आपको ध्यान रखना है पैन, मैन, लैन और वैन में क्या डिफरेंस है या क्या होता है। देखिए यहाँ पर पैन का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब आप एक ही घर में, सपोज कीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पर कोई काम कर रहे हैं, आपके फादर ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं और आपके पास एक ही प्रिंटर है, तो दोनों ही फ्लोर के लोग उसको कमांड करेंगे, तो ये जो नेटवर्क हुआ जो एक घर के अंदर है, बहुत ही छोटे स्केल पे, छोटे एरिया में है, उसको पैन कहते हैं। उससे बड़ा लैन, ये सोसाइटी में, आजकल बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन में सोसाइटीज होती हैं, सभी लोग एक ही कनेक्शन से अपने बिजली के बिल पे करते हैं, तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में और एडवांस कंट्रीज में पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो एक कनेक्ट, एक ही तरीके से कनेक्ट रहता है और लोग आराम से वहां पर नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। और लास्ट है यहाँ पर वैन, जो इंटरनेट आप यूज करते हैं वैसे, जैसे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो आई बिलीव ये सारे वर्ड्स को का फुल फॉर्म भी और इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफर, इसमें से फास्टेस्ट कौन है डाटा ट्रांसफर के लिए, क्या यूज किया जाता है, कोएक्सियल केबल, अनट्विस्टेड वायर, टेलीफोन लाइन्स या फाइबर ऑप्टिक्स। और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स। ईमेल क्या है, यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, काफी क्लोज है इसको, ठीक से ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करके चीजों को समझ कर जाएंगे और फिर आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आने के पूरे चांस है।
फिलहाल यहाँ पे व्हाट इज एन ईमेल, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ईमेल इज ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। और 10th क्वेश्चन जो लास्ट है आज के लिए, और ये है, ये 5 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऑडमैन है, यानी 4 जो है वो एक टाइप की चीज है और एक बिल्कुल अलग है, और इसका राइट आंसर है पेरिफेरल्स, क्योंकि पेरिफेरल्स जो है वो हार्डवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम ये सब सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लेटेस्ट एग्जाम से हमने पिक किए हैं या उस ट्रेंड्स पर बेस करके हमने आपके लिए क्वेश्चन लाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।